इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। एंटीफंगल संक्रमण के लिए सिप्ला से केटोसिप शैम्पू का उपयोग आपके डॉक्टर द्वारा निर्धारित खुराक और अवधि में किया जाना चाहिए। इस दवा का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग किया जाना चाहिए। आवश्यकता से अधिक उपयोग न करें, यह आपकी स्थिति को तेजी से साफ नहीं करेगा और केवल दुष्प्रभाव बढ़ा सकता है। अपने डॉक्टर द्वारा आपको बताए गए समय से अधिक समय तक इसका उपयोग न करें और उपचार के 2 से 4 सप्ताह के बाद भी आपकी स्थिति में सुधार न होने पर उसे बताएं। सुनिश्चित करें कि इसे 5 मिनट से अधिक समय तक स्कैल्प पर न छोड़ें। इस दवा का उपयोग करने के सबसे आम साइड इफेक्ट्स में सूखापन, बाल मलिन किरण और बालों की असामान्य बनावट शामिल हैं। ये आमतौर पर गंभीर नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया हो सकती है तो आपको अपने डॉक्टर को फोन करना चाहिए। इसके लक्षणों में दाने, होठों, गले या चेहरे पर सूजन, निगलने या सांस लेने में समस्या, चक्कर या बेहोशी महसूस होना और मतली शामिल हैं। ऐसा होने पर आपातकालीन सहायता प्राप्त करें। अपनी आंखों के सीधे संपर्क से बचें। सीधे संपर्क के मामले में अपनी आंखों को पानी से धो लें और तत्काल चिकित्सा ध्यान दें। यह संभावना नहीं है कि आपके द्वारा मुंह या इंजेक्शन से ली जाने वाली अन्य दवाएं इस दवा के काम करने के तरीके को प्रभावित करेंगी, लेकिन अगर आपने हाल ही में स्टेरॉइड युक्त किसी अन्य क्रीम का उपयोग किया है या किसी अन्य एंटीफंगल दवा से एलर्जी की प्रतिक्रिया है तो इसका उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इस दवा का उपयोग केवल तभी किया जाना चाहिए जब इसकी स्पष्ट रूप से आवश्यकता हो। अपने डॉक्टर से पूछें कि क्या यह सुरक्षित है। केटोसिप शैम्पू के फायदे। फंगल इन्फेक्शन का इलाज। एंटीफंगल संक्रमण के लिए सिप्ला से केटोसिप शैम्पू एक एंटीफंगल दवा है। यह संक्रमण पैदा करने वाले कवक के विकास को मारने और रोकने का काम करता है। यह खोपड़ी और बालों के संक्रमण का इलाज करने में मदद करता है। उपचार की खुराक और अवधि इस बात पर निर्भर करेगी कि आपके लिए क्या इलाज किया जा रहा है। सुनिश्चित करें कि आपने उपचार का पूरा कोर्स पूरा कर लिया है। यह सुनिश्चित करेगा कि संक्रमण पूरी तरह से ठीक हो गया है और इसे वापस आने से रोकेगा। केटोसिप शैम्पू के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। केटोसिप के सामान्य दुष्प्रभाव। शुष्कता, बालों का मलिन किरण, बालों की असामान्य बनावट, जी मिचलाना, उल्टी करना, पेट में दर्द, जिगर एंजाइमों में वृद्धि, आवेदन साइट लाली, खुजली, दस्त, असामान्य यकृत समारोह परीक्षण, एड्रीनल अपर्याप्तता, आवेदन साइट जल रही है। केटोसिप शैम्पू का उपयोग कैसे करें? अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें या उपयोग करने से पहले दिशा निर्देशों के लिए लेबल की जांच करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।